हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए। तो आज पेरिस ओलंपिक्स की बात करें तो फिर शूटिंग की हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम है अर्पित दुबे और मेरे साथ है सार्थक। तो सार्थक, आज बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा कि क्रूशियल डे था और होप थी मेडल के लिए, लेकिन नमिता जिंदल जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल वुमेन, और उसके अलावा अगर हम बात करें अर्जुन बघोता 10 मीटर एयर राइफल मेन्स, दोनों में ही निराश किया है। और एक और होप फिर से मनु भाकर पर ही आ चुकी है मेडल की, ब्रॉन्ज मेडल मैच में पहुंच चुकी है सरबजोत के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स इवेंट में। तो इस तरीके से देखें तो ओवरऑल क्या लग रहा है कि आज से अच्छा गया, ये कहेंगे कि दो मेडल टीम इंडिया ने मिस किए हैं। जी, आज हम लोगों के दो फाइनल मैच थे मेन और विमेन दोनों में, जो कि देखा जाए रमिता जिंदल ने तो 7th पोजीशन पे आके वो बाहर हो गई थी। जी बबूता से बहुत ज्यादा उम्मीद थी क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने शुरू करा था और जिस हिसाब से उनका एंड हुआ वो काफी खराब रहा था। एंड उन्होंने 4th पोजीशन पे खत्म करके वो खुद से काफी निराश होंगे क्योंकि जो एंड के शॉट्स थे जिन पे उनको थोड़ा कवर अप करना था उन्होंने वो काफी कम मारे। जी और एक फन फैक्ट, आपने बताया था कि जो राइफल अर्जुन बघोता ने यूज करी थी वो आप भी यूज करते थे। जी जी तो जी आज सबसे पहले हम एयर पिस्टल वाले मैच पे चलते हैं, जिस पे बात करने वाले हैं हम मनु भाकर और सरबजोत का, किस तरीके से मैच रहा। तो एक टाइम पर हमें देखने को भी मिल रहा था कि वो सेकंड नंबर पर भी थे, तो हो सकता था कि आपको वो सिल्वर मेडल या फिर कंफर्म होता, हाँ और गोल्ड मेडल मैच के लिए वो जाते। तो जी जी सिल्वर मेडल आपके लिए कंफर्म हो कंफर्म जाता होता। कि हमारा मेडल, अभी भी ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए। तो किस तरीके से लगे उनके शॉट्स, क्योंकि मेरे को शुरुआत में याद है जब मनु भाकर के पहले 5 शॉट्स में बात करें तो 4 शॉट्स उनके 10 पे थे, 1 पॉइंट उनका मिस हुआ था, वरना सारा उनका मतलब बिल्कुल कंसिस्टेंसी, कल मेडल के बाद कॉन्फिडेंस और ज्यादा हाई था। जी आप देखेंगे जैसे उनकी जो सीरीज है और सरबजोत की जो सीरीज है, आज उन्होंने होता है ना जो टीम वर्क किया उन्होंने, कि दोनों की सीरीज जो है बराबर बराबर ही रही है। देखेंगे सरबजोत की जो पहली सीरीज थी 95 की थी एंड भाकर की सीरीज थी पहली 98 की, जी और उसमें भी आप देखें तो पहले 5 में सिर्फ एक ही 9 9 लिख मारे। रहा था, जी और अगले 5 में भी देखें तो उसमें भी सिर्फ एक ही 9 है। तो ओवरऑल सिर्फ 2 पॉइंट्स मिस किए थे। वहीं सरबजोत की बात करेंगे तो उन्होंने 5 पॉइंट मिस किए। तो ये थोड़ा बहुत मिक्स टीम में होता है, अगर यही सेम कंसिस्टेंसी जो मनु भाकर की हमें 3 सीरीज में देखने को मिल रही है, वैसे ही कुछ सरबजोत के में भी, अगर 97-97 दो हमें सीरीज 2 और सीरीज 3 की बात कर रहे हैं, और जी सीरीज का मतलब आपको बता दें कि 10 शॉट्स होते हैं एक सीरीज में, हम और 30 शॉट लिए थे मनु भाकर ने और 30 शॉट लिए थे सरबजोत ने। जी आप आगे बता रहे थे फिर। जी तो आप देखेंगे सेकंड सीरीज पे सरबजोत ने काफी कवर कर लिया 97 मार के, एंड मनु भाकर की 98 की सीरीज गई थी। लेकिन लास्ट सीरीज मनु भाकर की थोड़ी सी खराब हो गई 95 की, लेकिन सरबजोत ने 97 मार के उसको थोड़ा कवर अप कर लिया, तो एक प्रॉपर टीम वर्क देखने को मिला था हमको। और वही हम अगर बात करें कि जो दूसरी इसमें टीम हाँ थी रिदम, और और साथ में हम अर्जुन चीमा की चीमा बात। की, जी तो उनकी सीरीज मतलब ये उसमें भी टीम वर्क दिखा है कि एक सीरीज उन्होंने भी खराब करी चीमा ने और एक सीरीज रिदम ने भी खराब करी। जी और यही आप देखिए कि सीरीज सेम नहीं थी, वहां पर आपको दूसरी सीरीज खराब करी अर्जुन चीमा ने और लास्ट में सिर्फ 92 पॉइंट्स रह गए, वरना आप देखें तो रिदम की पहले 2 सीरीज काफी ज्यादा जी शानदार थी, एक 97 और दूसरी तो 99, जो मतलब 99 अगर हम सारी सीरीज देख लें, मनु भाकर की भी बात कर रहे हैं इसमें हम, सरबजोत की भी बात कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट जो अगर परफॉर्मेंस देखेंगे एक पूरे 10 शॉट्स में तो वो रिदम का रिदम ही का था। भी तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मनु भाकर ही और साथ में सरबजोत क्वालिफाई कर गए हैं, तो एक और मेडल ब्रॉन्ज मेडल वो 2 मेडल ला सकती हैं, और वो पहली ऐसी महिला बन जाएंगी जो एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल किसी ने आज तक नहीं लिया सार्थक। तो ये एक नया रिकॉर्ड इंडिया के नाम हो सकता है, कल उनका मैच है। अब हम दूसरे मैच पे चलते हैं जो हुआ था रमिता जिंदल, जो आप भी खेलते थे एयर राइफल, तो उस मैच को किस तरीके से देखते हैं आप, अगर हम रमिता जिंदल वाले मैच की बात करें तो। रमिता जिंदल का जैसे जो उन्होंने स्टार्ट करा था उनका स्टार्ट देखेंगे आप 5 शॉट में उन्होंने 53 मारे थे, तो जिसमें वो मेरे ख्याल से शायद टॉप 3 में थी। जी लेकिन जब उन्होंने दूसरी सीरीज जो उनकी 5 शॉट्स की थी वो उनकी उतनी अच्छी नहीं गई। जी और आप देखेंगे कि जब हम 10 शॉट्स की बात कर रहे थे तो रमिता का स्कोर कुछ ज्यादा खास नहीं था, वो जी सीधे 7th पोजीशन पे आ गई थी थर्ड से, थर्ड से और जी एक उनका शॉट मिस हुआ था 9.7। तो वो आप मतलब अगर मैं आपको पॉइंट सिस्टम इसमें समझा देते हैं कि 10.9 मैक्सिमम होता है और मोस्टली शॉट्स आपके 10 के अबव तो होने ही होने होने चाहिए, जी और वो उनका 9.7 रहा जहां से वो सीधे 7 से थर्ड से सीधे 7 पर आ गए। जी तो वो काफी डिफाइन करता है कि आप देखिएगा अगर आज सामने वाले का शॉट अगर 10 है और आपका 9.7 है तो 0.3 का फर्क आ जाता है, इससे पॉइंट पॉइंट में काफी डिफरेंस आ जाता है। यही मेन इसका वो क्या कह सकते हैं, इसका मेन फोकस ही यही रहता है कि आपको पॉइंट्स पॉइंट्स में आपको कवर अप करना होता है। जी और फिर आपने देखा एलिमिनेशन उसका इनका इस तरीके से रहा कि 6th पर थी वो, फिर उसके बाद 7th का पोजीशन का मैच था, और लास्ट में उनका शॉट जो है
वो रहा 10.4, और जो उनके सामने अगर हम अपोनेंट की बात करेंगे उनका शॉट गया 10.5, और डिफरेंस भी 0.1 का ही था, तो वो एक और पॉइंट अप हो गए, तो 0.2 के डिफरेंस से फिर रमिता पीछे रह गई और लास्ट में खत्म उन्होंने किया, जिसमें उनका शॉट भी देखे तो 9.7 आया था, और ओवरऑल उनका अगर स्कोर देखे तो वो रहा था 145.3, जिससे वो बाहर हुए। तो रमिता जिंदल का मैच भी हम कहेंगे कि डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन सबसे ज्यादा जो डिसअपॉइंटमेंट रही वो रही थी अर्जुन बबूता के मैच से। जी, तो वो आप एक बार बता दीजिए कि किस तरीके से आपको लग रहा है कि अर्जुन बबूता ने पूरा मैच खेला। बबूता का आप अगर देखेंगे, बबूता स्टार्ट से ही लग रहा था कि वो जीतने के लिए ही आए हैं। उन्होंने स्टार्ट से वो सेकंड में चल रहे थे, पांच सीरीज में वो भी सेकंड पे रहे, फिर दूसरी पांच सीरीज जब उन्होंने खेली उसमें भी वो सेकंड पे ही रहे, लेकिन फिर उनके बाद वो सेकंड पे जा रहे हैं, थर्ड पे जा रहे हैं जी। लेकिन फिर जब उनके एंड के जो शॉट्स थे, जो नाइन चले गए, वो काफी खराब शॉट्स थे, उसकी वजह से वो फोर्थ पे आ गए। एंड फिर थोड़ा सा दिख रहा था कि थोड़ा सा वो प्रेशर में भी आ गए थे जी, क्योंकि इसमें इस बार ऐसा दिख रहा था कि इसमें सिंगल शॉट्स लेने थे आपको, और फर्स्ट एलिमिनेशन का देखने का हमें मिला जब लास्ट शॉट पर वो सेकंड पोजीशन पर चल रहे थे उस टाइम तक, और सेकंड एलिमिनेशन हुआ था तब भी वो सेकंड पर ही थे। लेकिन जब सेकंड एलिमिनेशन के बाद हमें देखने को मिला कि जब फोर्थ एलिमिनेशन वाला, मतलब अगर हम देखें पीछे से सीडिंग में देखें, टॉप एट होती है, तो फिर एट सेवन सिक्स और फिफ्थ पोजीशन जब निकली तो सीधे फोर्थ पर आ गए, और यहाँ उनका एलिमिनेशन हुआ जो लास्ट उनका, अगर हम बात करेंगे शॉट जो कि रह चुका था सिर्फ 10.1 तक गया, और उनके सामने सुलाजो थे वो फिफ्थ पर थे 187.4, और लास्ट में हम देखें तो क्रोएशिया और फिर से चाइना एक और गोल्ड मेडल लेके आए हैं, और ये वही प्लेयर हैं जिन्होंने अभी कल ही के दिन अगर हम बात करेंगे मिक्स टीम में भी गोल्ड जीता था, तो लगातार दो गोल्ड मेडल, और पहला आप बात भी कर रहे थे कि पहले उनका ओलंपिक्स है जी, और चाइना एयर पिस्टल में भी गोल्ड लेके गए जी। तो ओवरऑल शूटिंग का दिन बहुत ज्यादा खराब गया। अगर हम ट्रैप की बात करें तो उस पर भी हमें, अगर जो प्लेयर की अगर हम बात करें तो वो भी बाहर होते हुए दिखे, तो ओवरऑल अगर हम देखें साल तक तो काफी ज्यादा निराशाजनक परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है। अगर शूटिंग में देखें, मनु भाकर के अलावा कोई एक ऐसा नाम नहीं आ रहा जो मेडल कंटेंडर भी रह रहा है, और उसके करीब अगर आज देखें तो सबसे ज्यादा करीब हमें देखने को मिले अर्जुन बबूता। और अब बात करें ट्रैप में भी, पृथ्वीराज टोंडेमन वो भी बहुत आसानी से 28th पोजीशन पे बाहर हो गए। तो इस तरीके से पूरा शूटिंग का दिन रहा। पेरिस ओलंपिक की सारी अपडेट्स जानने के लिए आप फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए डीएनए के चैनल को, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इंडिया वर्सेस अर्जेंटीना हॉकी मैच चल रहा है, उसकी भी आपको सारी अपडेट्स हम देते रहेंगे, तो ऐसे हमारे साथ जुड़े रहें और लाइक शेयर कमेंट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग डीएनए।